सर हमारा मामला जो पत्नी से है, जो कि न्यायालय में पहले से ऑलरेडी चालू है, ठीक चल रहा है, और उसके बावजूद जो पत्नी है 100 नंबर को फ़ोन की और घर पर बुलाती है और पुलिस के द्वारा हमें परेशान करती है, न्यायालय में नहीं जाती है तारीख उरीख पर, और जो ये पुलिस आती है तो हमें परेशान करती है, पैसा मांगती है, अब पैसा ना देने पर थाने पर ले जा करके बैठाती है, रात में थाने पर सुलाती है, बोलती है कि 10,000 रुपया दो तो इसी तरह छोड़ देंगे, 2,000 रुपया दोगे तो चालान करेंगे। पैसा ना देने के वजह से हमें 26 घंटे तक थाने में बैठाए रखे इन लोग, और उसके बावजूद पैसा ना देने के कारण मेरे पर्स से 1,650 रुपये निकाल लिया गया ज़बरदस्ती, और उसके बावजूद 4 बजे शाम को चालान कटाया। 19 तारीख को हमें यहाँ से उठाए घर से 2:25 पर, और 21-20 तारीख को जो है 4 बजे चालान करिए, वो भी ज़बरदस्ती पॉकेट से 1,650 रुपये निकालने के बाद, और ऊपर से धमकी दे रहा है दरोगा कि हमें जो है फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे। सर मेरा नाम अमित कुमार गुप्ता है, मैं ग्राम परानपुर का रहने वाला हूँ। अमित जी क्या मामला था, आपने DGP मुख्यमंत्री और कप्तान तक भी दौड़ते रहे। सर मेरा मामला एक भ्रष्टाचार का था, एक दरोगा जी थे, वो खुलेआम हमसे घूस मांग रहे थे और फ़ोन पे बहुत सारी धमकियां मिली थी, चूँकि गाड़ी से पीछा भी किया गया था, जो लोग गाड़ी से पीछा कर रहे थे वो लोग अज्ञात थे। मैंने इसकी शिकायत लिखित में की है, माननीय SP साहब से की है, माननीय DGP साहब से की है, माननीय मुख्यमंत्री जी से की है, माननीय मैंने राज्यपाल जी को भी रिसीविंग लेटर जो कि मेरे पास प्राप्त हुआ कल, और चूंकि इस प्रकरण में मैं DGP साहब से DGP साहब ऑफिस गया था लखनऊ, तो वहाँ पे CO साहब थे कोई, वो बोले कि आप क्या चाहते हो, तो मैंने सर कहा कि मैं तो यही चाहता हूँ संविधान के नियम के तहत उनके ऊपर कार्रवाई चाहता हूँ। तो DGP साहब के ऑफिस में जो CO साहब थे उन्होंने अभी कहा कि ये तो दरोगा दोषी है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैंने कहा सर तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं अभी कप्तान साहब से बात करता हूं, तो माननीय कप्तान साहब से कल हमारे सामने ही बात हुई, तो बोले कि ठीक है उसका मैं ट्रांसफ़र करवा देता हूं। मैंने बोला कि श्रीमान जी इस ट्रांसफ़र से मेरा सर काम नहीं चलेगा, मैं उनसे बहुत भयभीत हूं, कभी भी मेरे जान माल को खतरा है श्रीमान जी। तो बोले कि ठीक है मैं तब क्या चाहते हो, मैंने कहा सर संविधान के नियम के तहत जो भी कार्रवाई है सर की जाए, तो बोले कि ठीक है तब सस्पेंड करवा देता हूँ, तुम जाओ यहाँ रुको नहीं। तो श्रीमान जी के आश्वासन पर मैं सर माननीय कप्तान साहब से आज मिला, मिलने के बाद ये बोले कि उसका तो ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो मैंने कहा श्रीमान जी मैं ट्रांसफ़र के आश्वासन पर नहीं आया। ट्रांसफ़र क्या मतलब, जिले में किया गया कहीं बाहर किया गया है, तो मैंने श्रीमान जी से आग्रह किया, निवेदन किया, तो बोले कि ठीक है तुम ट्रांसफ़र पर नहीं मानते हो तो उसके ऊपर FIR दर्ज करता हूँ। अभी सिंहदेवपुर थाना में एक दरोगा साहब हैं पाल जी, उनका जो एक ऑडियो वायरल हो रहा है सर, उसको लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है। इस संदर्भ में मेरे द्वारा उनके विभागीय उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए और उस ऑडियो के परीक्षण की जांच के लिए क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद को जांच सौंप दी गई है। उनको करीमुद्दीनपुर थाने से हटा करके और अंडर ट्रांसफ़र थे आजमगढ़ रेंज के लिए, उसके लिए रवाना कर दिया गया है। थैंक यू सर।